तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बाद इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, फाइंड आउट ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर इन गिवन केमिकल रिएक्शन, आर फाइंड आउट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शंस। यानी अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कीजिए। आपको बताऊं कि ऑक्सीडाइजर का एक सेकेंड नेम है उपचायक, यानी ऑक्सीकारक का ही दूसरा नाम है उपचायक। तो काफी ये होमोफोनिक टेक्सा है जो एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और वर्ड टू वर्ड पॉइंट्स को सीखते चलिए। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट फाइंड आउट करना तब सीख पाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्लियर होंगे। एंड लॉजिकल फंडामेंटल व्यू इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस रिडक्टेंट इज प्रेजेंट एंड इन रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्सीडेंट इज प्रेजेंट। यानी जो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होंगी उनमें अपचायक की उपस्थिति होगी, रिडक्टेंट की प्रेजेंस होगी, और जो रिडक्शन के रिएक्शंस होंगे उनमें ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस होगी। तो सबसे पहले क्लियर करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर्स। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स के केस पढ़े थे इसके पहले फाइंड आउट करने के, और डेफिनेशंस भी करी थी इस तरह से कि दोनों रिएक्शंस में डिफरेंशिएट हो जाए। तो उनको एक बार रिव्यू करूं आपको। सबसे पहला जो मेन पॉइंट होगा इनको सॉल्व करने के लिए वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाती है, यानी वे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देन रिडक्शन रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो उन्हें कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो ये पहचान हुई आपकी कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस हैं उनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जो रिडक्शन के रिएक्शंस हैं उनमें ऑक्सीडेशन वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का केस। सबसे पहले रिएक्शन किया Zn से Zn2+ आयन, मींस यहां Zn2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और Zn2+ आयन बनाता है। तो एक डेफिनेशन यही दी ना ऑक्सीडेशन नंबर्स की कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, सो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर के अकॉर्डिंग उन पर उतना चार्ज आ जाता है। तो यहां पर हम लोग जब ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो फर्स्ट ला, ऑल फ्री एलिमेंट्स हैव देयर ऑक्सीडेशन वैल्यू इज जीरो। सो यहां Zn फ्री हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और सेकेंड ला, आयंस पर लगे हुए चार्ज इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयन पर लगे चार्ज, यहां Zn पर 2 प्लस के चार्ज है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस 2। अब कंपैरिजन किया हमने 0 से प्लस 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, यहां इंक्रीजमेंट मिलेगी प्लस 2 की, 0 से प्लस 2 मींस प्लस 2। नाउ इन रिडक्शन रिएक्शंस Cl2 फ्री एलिमेंट हुआ तो स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होगा, इसलिए इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। और Cl- पर सिंगल चार्ज है माइनस यूनिट का,
इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने कंपेयर किया इसका 0 से माइनस 1, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। कितना कम हो रहा है? माइनस 1। तो इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहां से ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा कि जब इंक्रीजमेंट होगा ऑक्सीडेशन नंबर में देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शंस के बाद अब हम लोग इन टर्म्स को क्लियर करते हैं जो कि मेन क्वेश्चंस का व्यू था कि फाइंड आउट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा अब, क्योंकि ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में रिडक्टेंट मिलेंगे और रिडक्शन की रिएक्शंस में ऑक्सीडेंट मिलेंगे, यानी ये अपोजिट टेक्सा है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस में मिलेगा। तो क्लियर करते हैं आपको सबसे पहले ऑक्सीकारक को। ऑक्सीकारक को उपचायक भी कहते हैं, आपको क्वेश्चन में कई बार ये भी लैंग्वेज मिलेगी उपचायक। इन इंग्लिश यूज्ड ऑक्सीडेंट, इन वन वर्ड डिफाइन किया इसको कि वह पदार्थ जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के फलस्वरूप डिक्रीज करता है। तो मैंने बोला आपको कि वे रिएक्शंस जिनके दौरान ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो वो रिएक्शन तो होगी रिडक्शन, लेकिन उस रिडक्शन के रिएक्शंस में जो आपका कंपाउंड है, जो पदार्थ है, वो कहलाएगा ऑक्सीडेंट या उपचायक। जबकि अपचायक के लिए इसे रिडक्टेंट कहते हैं। वे सबस्टेंस जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के बाद कंप्लीट होने के बाद इंक्रीज करता है। तो मैंने कहा कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, तो उस समय मेन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन तो होगी ऑक्सीडेशन की, लेकिन वे सबस्टेंस कहलाएगा अपचायक या रिडक्टेंट। तो स्टूडेंट्स लिसन मी ब्रीफली, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्टेंट इज प्रेजेंट एंड इन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज प्रेजेंट। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं कि कब ऑक्सीडेंट होगा और कब रिडक्टेंट होगा। सपोज दैट इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन Zn प्लस ट्वाइस Fe डबल प्लस गिव्स आउट Zn 2 प्लस एंड Fe। तो यहां Zn का ऑक्सीडेशन वैल्यू, Zn फ्री है तो फ्री एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एंड आयन पर लगे हुए चार्ज इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। Fe पर 2 प्लस चार्ज है इसलिए ऑक्सीडेशन होगा प्लस 2। Zn पर 2 प्लस चार्ज है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा प्लस 2। एंड Fe फ्री हुआ तो स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा, इसलिए Fe का ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0 होगा। तो कंपैरिजन करते हैं इसका, Zn का Zn से देखा हमने 0 से प्लस 2 हुआ तो कितना इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस 2। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस 2 की वृद्धि हो गई। तो अगर वृद्धि हुई तो ये वाली जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, मींस ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में कौन मिलेगा? तो रिडक्टेंट मिलेगा, यानी अपचायक मिलेगा, और अपचायक कौन होगा? Zn होगा। तो यहां पर इस अभिक्रिया में जो रिडक्टेंट है वो कौन होगा? Zn होगा। और आपको बताऊं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में, यानी जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है आपको केमिकल रिएक्शंस में वहां से आंसर मिलेगा।
नाउ Fe2+ प्लस का ऑक्सीडेशन प्लस टू और यहां Fe फ्री हुआ, कंपेरिजन कराएं तो प्लस टू से मिला जीरो, प्लस टू से जीरो, घट रही है बढ़ रही, घट रही कम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन, और रिडक्शन की रिएक्शंस में क्या मिलेंगे, ऑक्सीडाइजर। तो यहां पर ऑक्सीडाइजर कौन होगा, ऑक्सीडाइजर होगा Fe, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, Fe। इस प्रकार हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं उनमें अपचायक मिलेंगे और जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं यानी अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनमें ऑक्सीडाइजर मिलेगा या ऑक्सीकारक मिलेगा। सो फाइनल आंसर इन दिस गिवन रिएक्शन, अपचायक यानी रिडक्टेंट Zn होगा और जबकि ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीकारक Fe होगा। और इस प्रकार हमें रिएक्शंस के रिएक्टेंट साइड से दोनों आंसर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार रिव्यू लेते हैं इसका कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मेन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन वैल्यू इंक्रीज करेगा वे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस में रिडक्टेंट मिलेंगे यानी अपचायक मिलेंगे, और वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन वैल्यू डिक्रीज करेगा कम हो जाएगा वे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी, जबकि अपचयन की अभिक्रियाओं में आपको ऑक्सीडाइजर मिलेगा या उपचायक मिलेगा। इस प्रकार जो उपचायक है उसे ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर फाइंड आउट करना यहां से कंप्लीट किया।